तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमन विद सुपर पावर। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखते होगे तो मेरे हर वीडियो में मैंने एक पॉइंट हमेशा बताया है कि व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप फर्टिलिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कह सकते हैं मेरे सारे वीडियो में मैंने ये पॉइंट बताया है, क्योंकि हमारा चैनल ही हेल्थ रिलेटेड है और जहाँ पे हेल्थ आती है वहाँ पे एक्सरसाइज तो आनी ही आनी है। तो आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं डेडिकेटेड एक्सरसाइज व्यायाम के ऊपर। व्यायाम का महत्व आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं, अगर आप खासकर मेरी तरह हाउसवाइफ है तो हम सोचते हैं कि हमारे डेली कामों से ही तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, अलग से एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल, इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। मैं आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला मैसेज देने वाली हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ व्यायाम क्या होता है, व्यायाम क्यों ज़रूरी होता है, व्यायाम का क्या महत्व है, व्यायाम करने के तरीके, व्यायाम करने के प्रकार, व्यायाम करने का फ़ायदा क्या होता है, व्यायाम करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिल्कुल स्किप किए बिना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना और उसमें ऑल सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको मेरी हर तरह की वीडियोस नोटिफिकेशन थ्रू मिल सके। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यायाम क्या है। तो व्यायाम हमारे शरीर द्वारा की गई एक प्रकार की मूवमेंट होती है, एक प्रकार की शारीरिक गतिविधियां होती है, जो कि हमारे मांसपेशियों पर काम करती है और हमारे शरीर के जो एक्स्ट्रा फैट कैलोरीज होती है उन्हें बर्न करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे तैराकी करना, टहलना, चलना, दौड़ना, ये सारे व्यायाम की तरह आती है, जो कि हमारे शरीर को एक्टिव रखती है। और एक्टिव रहना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपको लंबे समय तक जीने में मदद करता है, आपके वजन को बैलेंस रखने के लिए भी ये मदद करता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो एक्सरसाइज की मदद से आप इसे कम भी कर सकते हैं, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो कुछ एक्सरसाइज की मदद से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज व्यायाम के प्रकार। तो व्यायाम के प्रकारों को, शारीरिक गतिविधियों को चार हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हमें से बहुत से लोग एक ही प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि वो पर्याप्त व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे बॉडी पार्ट्स, अलग अलग हिस्से जो हमारे बॉडी के होते हैं, वो अलग अलग व्यायाम, अलग अलग व्यायाम प्रकार की डिमांड करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है इंड्योरेंस, सहन शक्ति। तो सहन शक्ति या एरोबिक गतिविधियाँ आपकी हृदय गति को और आपके श्वास को बढ़ाती है, जो कि आपके दिल, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली को स्वस्थ रखती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें तेज चलना, दौड़ना, नृत्य करना, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और दूसरा प्रकार आता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसमें वेट लिफ्टिंग आदि प्रकार की एक्सरसाइज आती है, जो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में भी हेल्पफुल होती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा वजन उठा के सीढ़ियाँ चढ़ना आदि काम ईजिली कर सकते हैं। इसमें तीसरा व्यायाम का प्रकार आता है संतुलन, बैलेंस करना। तो इसमें हमारे बॉडी को बैलेंस करना सिखाया जाता है, जिसमें एक पैर पर खड़ा होना, पैरों की उंगलियों पर चलना आदि एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे हमारे शरीर की सारी पकड़ मजबूत हो जाती है, किसी चीज़ पर पकड़ मजबूत होती है, जिससे हमें गिरने से रोकने में मदद मिलती है। उसके बाद एक्सरसाइज का चौथा प्रकार आता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन आपकी बॉडी में इस एक्सरसाइज से लाया जाता है। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव जाता है, ताकि आपकी मांसपेशियां लचीली बन जाए और आपकी बॉडी लचीली बने, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रह सके और आपकी रोजमर्रा की काम करने में ये मदद कर सके। और ये सारी बातें सुनकर अगर आपने व्यायाम करने का मन बना लिया है, तो अब आपको मैं महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ व्यायाम करने के नियम। क्योंकि व्यायाम करने के नियमों से अगर आप ऊपर दिए गए व्यायाम करते हैं तो आपको पूरी तरह, अच्छी तरह से पूरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। इसमें सबसे पहला नियम आता है, कोई भी व्यायाम करने से पहले आपको अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए वार्म अप जरूर करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा नियम आता है, आपको कोई भी व्यायाम प्रारंभ करने से पहले आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि आप जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए आपकी सारी बॉडी लचीली बन जाए। बाद तीसरा नियम आता है, किसी भी व्यायाम को करने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम होता है, उसे सही तरीके से करना। अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको इसके स्वास्थ्य लाभ तो नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको इससे नुकसान हो सकता है। और उसके बाद चौथा नियम आता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए
अच्छा होगा कि आप किसी जिम ट्रेनर के सामने ही व्यायाम करें। उसके बाद पांचवा नियम आता है, यदि आपके शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की चोट लगी है तो आपको कोई भी व्यायाम प्रकार स्टार्ट करने से पहले आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण नियम आता है, आपको कोई भी व्यायाम आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए, यह आपको दर्द दे सकता है या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके व्यायाम करने के मन को और पक्का करने वाली है, तो वो है व्यायाम करने के फायदे। तो व्यायाम करने के फायदों में सबसे पहला फायदा आता है, अगर आप व्यायाम करते हैं तो ये आपके शरीर में एक ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है और आपकी हृदय प्रणाली को भी ये मजबूत करती है, ताकत देती है और जिससे आपकी जो मांसपेशियां होती है उन्हें और ज्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलने में मदद होती है। व्यायाम करने से मांसपेशियों की ताकत में सुधार आता है, आपकी बॉडी को एक्टिव बना देती है, लचीली बना देती है, आपके लिंगामेंट्स लचीले बन जाते हैं जो आपको गिरने से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। व्यायाम आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद करता है, आपकी मांसपेशियों को लचीला बनाकर कैलोरी बर्न करने में भी मदद करता है। अगर आपकी मांसपेशियां और ज़्यादा विकसित हो जाती है तो ये आपकी चयापचय को भी मजबूत बना देती है। उसके बाद अगर आप कम भी व्यायाम करते हैं तो भी ये ठीक से काम करती है, कैलोरी को बर्न करने के लिए मदद करती है। और एक्सरसाइज करने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है और एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो अच्छी तरह से मिल सकते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस को दूर रखने के लिए मदद करते हैं। व्यायाम करने से मस्तिष्क कार्यक्षमता में भी सुधार आता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जिससे मस्तिष्क के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। और उसके बाद स्वस्थ हृदय के लिए भी व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हृदय की मांसपेशियों को भी ये मजबूत बनाता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी ये बैलेंस रखता है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। व्यायाम आपके मन शरीर और आत्मा के लिए भी अच्छा होता है, ये आपको चिंता तनाव जैसी मानसिक बीमारियों से भी दूर रखता है, इलाज में भी ये मदद करता है। अगर नियमित अगर शारीरिक गतिविधि आप करते हैं तो ये आपको अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है, क्योंकि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आ पाती है। और उसके बाद व्यायाम और बाकी भी शारीरिक गतिविधियां आपको सोशलाइज होने में भी मदद करती है, किसी स्पोर्ट्स टीम में ज्वाइन होना या किसी ग्राउंड पर खेलने के लिए जाना, किसी जिम में ज्वाइन होना, इससे आप सोशलाइज होने में भी आपको मदद मिल जाती है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से आप स्वस्थ रहेंगे और कुछ शोध कहते भी है कि अगर आप दिन में 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो आपके लिए ये स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी व्यायाम करने के नुकसानों के बारे में। तो वैसे तो व्यायाम करने के ज़्यादा कुछ गंभीर नुकसान नहीं होते, लेकिन किसी भी चीज़ की अति करना भी अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहला आता है, आपको व्यायाम करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो जोश जोश में आपको चोट भी लग सकती है। और उसके बाद दूसरा आता है, आपको व्यायाम करने से पहले आपके शरीर में कुछ दिनों तक भी आपके शरीर में दर्द महसूस आपको हो सकता है। और उसके बाद अगर आप गलत तरीके से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आप पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको पेट से संबंधित भी कोई समस्या पैदा कर सकती है, जैसे कि आपके पेट में दर्द होना या आपको भूख न लगना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। विशेषज्ञों के कहने के अनुसार तो अगर आप अपनी क्षमता से अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके नींद पर बुरा प्रभाव डाल सकती है या आपके नींद में असंतुलन पैदा कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। व्यायाम क्या है, व्यायाम का महत्व क्या है, व्यायाम के प्रकारों के बारे में मैंने जो बताया ये आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल हुआ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।